लेकिन ये सरकार की जो नीति है वो केवल शराबबंदी में चौथा प्रचार, जिसको कि सब जगह उपलब्ध है। बालू का भी वही हाल है, जहाँ देखिए आ रहा रूप में रखा जा। लंबे समय से खराब है अटल पथ के पानी टंकी की मोड़ पर बना हुआ फुट ओवर ब्रिज का लिफ्ट। लोगों की सुविधा के लिए अटल पथ के पानी टंकी मोड़ के पास पथ निर्माण विभाग की ओर से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष सितंबर में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन और दीघा विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजीव चरसिया ने किया था। 3,44,00,000 रुपये की लागत से बनाया गया ये फुट ओवर ब्रिज सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट की भी सुविधा दी गई थी, ताकि बच्चे बुजुर्ग लिफ्ट की मदद से आसानी से फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर अटल पथ के पार कर सकें। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि फुट ओवर ब्रिज में लगी लिफ्ट सिर्फ उद्घाटन के दिन ही चली, उसके बाद से आज तक लिफ्ट खराब है, जिसकी वजह से यह स्थानीय लोग फुट ओवर ब्रिज सीढ़ी चढ़कर अटल पथ पार करना पड़ रहा है। लिफ्ट के खराब होने के से ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी अटल पथ पार कर स्कूल जाने वाले बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है। वहां के स्थानीय लोगों से मैंने बात किया है, सुनिए क्या कहते हैं इस समस्या के बारे में। हार्ट के पेशेंट हैं और सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। लिफ्ट जो एक दिन चला उसके बाद से चल नहीं रहा है, खास करके बुजुर्ग के साथ साथ उन बच्चों को परेशानी हो रही है। जो रोड क्रॉस करके इस पार से उस पार, उस पार से इस पार स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो हमारा यही अनुरोध है कि लिफ्ट को चालू किया जाए, ताकि बुजुर्गों को और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। फुटपाथ चढ़ने के लिए बनाया गया है और उसमें लिफ्ट की कोई व्यवस्था नहीं। बुजुर्ग लोग चाहते हैं कब हार्ट फेल हो जाएगा, कब उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना हो जाएगा, ये बहुत विकट समस्या है। कहीं से इसका जो श्रेय ले रही है सरकार, वो सब बेकार की बात है। जितने मोहल्ले के आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक क्रॉसिंग था, इतना ऊंचा ऊंचा फ्लाई ओवर बना दिया गया है, खास करके बुजुर्ग बच्चों महिलाओं के लिए ये बहुत कष्टदायक अनुभव हो रहा है। जल्द से जल्द लिफ्ट शुरू होए और सरकार को जो इसमें 80 का स्पीड दे दिया है कि बीच घनी आबादी से गुजरती है, कितना एक्सीडेंट हो रहा है, इसको भी रोक लगाना चाहिए कि एक्सीडेंट कम हो जगह जगह पर। ये लिफ्ट मतलब कि कितना दिन चला था, शुरू हुआ था? शुरू हुआ तो एक दिन ट्रायल में हम लोग चलाए, कोई पब्लिक उस पर चढ़ा नहीं। हम लोग रोज़ आपका देख रहे हैं कि अब शुरू होगा, काम लगा हुआ है, रोज सीढ़ी से आना जाना है। अच्छा। कुछ भी सामान उस पर जाना रहता है, बोरिंग रोड इसकी सीढ़ी से चढ़ना आना पड़ता है। रहते हैं आप इधर? हम महेश नगर में रहते हैं, प्रोफेसर संजय कुमार नाम है। कहाँ रहते हैं हम? महेश नगर में रहते हैं। अच्छा, इससे रोज आना जाना करते हैं? रोज चार मरते आते हैं जाते, सीढ़ी से चार बार सीढ़ी में। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ?